अब द्रोण मुनि के द्वारे विष्णु शिव पधारे क्षुधा पीड़ित हो भोजन का करे सवार यमन से हमारे विरहा का हमारे गीत का शुरुआत हो हम बताइला की मूल चीज विरहा का कहानी होला कहानी दिमाग से हट जाइए ओम प्रकाश यादव का विरहा सुनन व्यर्थ हो। द्रोण मुनि के दरवाजा पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों त्रिदेवा अपना रूप बदल करके जोगी का भेष बना करके आ करके अलग जगा दिए। संयोग ही कहा जाएगा कि द्रोण मुनि उस समय भिक्षाटन पर थे, भिक्षा मांगने गए थे। उनके घर में उनकी पत्नी द्रोण मुनि की ब्राह्मणी थी। अलग जगा दिए कि माँ हम लोग 7 रोज से भूखे हैं, कुछ खाना खिला दो। तब अतिथि देवो समान, अतिथि देवो भव। भैया 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 का हो माने अतिथि देवता के समान होलन। आज तो लिखा था देखी केहू के घर पर जीवत दरवाजा पर लिखल रहता कि कुत्ता से सावधान। बारे जमाना पहले के समय में अतिथि भगवान के समान स्वरूप होत रहल। अलग जगा दिया द्रोण मुनि की औरत आती है हाथ जोड़कर कहती है कि महाराज क्या बात है। तीनों त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश जोगी के वेश में कलन के हमन का 7 दिन खैले हो गल बा, कुछ खाना खिया दा। बड़ी प्यास है, बड़ी प्यार से घर पर तीनों आदमी को बैठोली हम। लेकिन संयोग ही कहा जाएगा कि द्रोण मुनि की इतना गरीब थे कि उस वक्त उनके घर में अन्न का एक टुकड़ा भी नहीं था। ब्राह्मणी तीनों ती देवा को बैठा करके वो क्या जानती है कि ये देवता लोग हैं, वो तो जानती है कि अतिथि हैं। करती है क्या कि आगंतुक सन्यासी लख चिंतित हो सोचे ब्राह्मण घोर गरीबी अनना घर में अतिथि करे कैसे भोजन। गई ब्राह्मणी उधार लेने बनिया था पे बिचारी मन राशन के बदले में अबला काट के बगल में बनिए की दुकान जाती है। बनिए की दुकान पर जाती है बनिए की दुकान पर कहती है कि भैया मेरे घर पर 3 मेहमान आए हैं, खाना खाने के लिए कह रहे हैं और कुछ राशन उधार के रूप में दे दूं। जैसा प्रमाण मिला कि द्रोण मुनि की औरत नई नवेली थी, बड़ी खूबसूरत थी। बनिया जब देखा है ईमान बदल गया, कहा कि राशन तो दे दूंगा, दुकान की से जितना राशन मांगोगी दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। कहती है कि क्या शर्त है भैया? बनिया कहा कि राशन दूंगा लेकिन राशन के बदले में तुम अपनी दोनों वस्त्र मुझे दे दो। अब आ रे
जुड़मुनि की औरत तनिक भी देर नहीं करती है, चाकू को उठाई है और चाकू से दोनों स्तन को काट करके बनिए की तराजू के एक प्लेट पर रख दी। एक तराजू के प्लेट पर बनिया के कहने पर और द्रौपदी की औरत दोनों स्तन काट कर रख देती है। एक प्लेट पर दोनों स्तन है तो दूसरे प्लेट पर तराजू के प्लेट पर बनिया का राशन है। लहू लुहान आती है, तीनों की देवा देखे हैं, बोले कि माँ ये क्या तूने कर दिया। बाप कही कि कोई बात नहीं है बाबू, आप लोग हमारे मेहमान हैं, खाना खाने के लिए आप लोग तैयार रहिए, मैं बनाती हूँ। तीनों सीदेवा अपने असली रूप में आए और बोले कि माँ जिस हम लोगों के लिए तुम अपनी जिस दोनों स्तन को काट चुकी हो इसी स्तन को हम एक लोग एक रोज मुंह अपने मुंह में लेकर के तुम्हारा स्तन पान करेंगे। वही द्वापर युग आया और भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और भगवान कृष्ण का जन्म हुआ वही द्रोण मुनि वही बनिया जो था बांकासुर राक्षस बना और वही द्रोण मुनि बाबा नंद बने, द्रोण मुनि की औरत माँ यशोदा बनी, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। कैसे हुआ कब हुआ जैसा कि सभी लोग जानते हैं, गोरेलाल प्रीतम आवाज में सुनत
अष्टभुजी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो कभी जी लिखे हैं क्या